उनका भी 136वां कार्यक्रम होने जा रहा है। इसका मतलब ये रहा होगा कि 150-250 साल पुराना इतिहास जो है आर्य समाज का रहा होगा, जो कि 136 तो कार्यक्रम ही यहाँ पे आयोजित हो चुके हैं। और अपना देश के प्रति समर्पण, देश के लिए कल्याणकारी कार्य करना, ये सारा जुड़ा हुआ मसला है। और इन्होंने जैसे कि आज कहा कि आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद तो देश को जिस ढंग से खोखला कर रहा है, और रोजाना आप देख रहे हैं कि संघ से बॉडी आ रही हैं, सीमा पार से आतंकवाद चल रहा है, हमारे सैनिक भाइयों के बॉडीज जो है तिरंगे में लिपट के आ रही है। और निश्चित तौर पे बहुत साहस दिखाने की जरूरत है। राजनीतिक बातें कही जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पे हम तो फिर भी काफी भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रदेश जो है शास्त्रीय प्रदेश है, हमारे साथ के प्रदेश में पंजाब में बहुत देर तक आतंकवाद देखा, बहुत लोग शहीद हुए, अखबारों के लोग भी शहीद हुए, नेता भी शहीद हुए, हमारे राष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री तक जो है शहीद हो गए इस आतंकवाद से लड़ते लड़ते। तो जगह जगह कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है, तो उसको देखते हुए, लेकिन ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी चर्चा किसी भी समय बात में हो सकती है, लेकिन हमारे प्रदेश में जिस ढंग से नशे का प्रचलन हो रहा है, नशा जिस ढंग से बढ़ा है, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी शैक्षणिक संस्थानों की बन गई है। और यहाँ पे तो मैं इसलिए भी बधाई दूंगा कि ये लड़कियों का संस्थान है, और इस संस्थान को जब खोला गया था तो उसमें मंशा थी कि जब अंग्रेज लोग अपनी अंग्रेजियत फैला रहे थे, सारे अंग्रेजी स्कूल खोल रहे थे, उस दौर में आर्य समाज ने जो है ये कदम उठाया और यहाँ पे शिक्षा के लिए यह संस्थान खोला। और उसका अलग आप सब लोग जला रहे हैं और उसको कायम रखा है। आज 500-600 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बेटियों का महत्व है, मेरे तो अपने खुद एक बेटी है, तो बेटियों के लिए जिस ढंग से आप सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हमारे अभी पड़ोसी प्रदेश में तो नशे के तस्करों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया, और साथ ही ये कर दिया कि जितने भी सरकारी मुलाजिम है सबका जो है डॉप टेस्ट अनिवार्य कर दिया। हमारे भी यहाँ पे बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब तो प्रदेश के लगभग हर तरफ ये नशा फैल रहा है और रोजाना मसले पकड़े जाते हैं। हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं कि इसका संरक्षण है या दूसरे का संरक्षण है, लेकिन असलियत ये है कि खासतौर पर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास इस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। और हमने मौजूदा सरकार से भी कहा है कि हम हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और बाकी तो आजकल राजनीतिक क्षेत्रों में भी नाती की चर्चा है, और उस दौर में आपने हमें असल की बच्चों की नाती दिखाई, इसके लिए मैं आपका निश्चित तौर पर आभारी हूँ। और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी, बहुत ही टीचर्स ने यह ध्यान करवाया, मैं टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को, छोटे बच्चों को जिस ढंग से उन्होंने तैयारी करवाई और जिस मेहनत से करवाई, मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज के कार्यक्रम में जो बच्चे आज यहाँ कार्यक्रम ले रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से बच्चों को 11,000 रुपया।